ऐसे जा रहा लगता है ससुराल जा रहा है कि देखेंगे नहीं तो पूछेंगे कैसे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको जो देखने को मिलेगा वो हाजीपुर का सोनपुर मेला। तो सोनपुर मेला मैंने कल शाम को शूट किया था और मैं पहली बार यहाँ पर हाजीपुर सोनपुर मेला देखने आया था। तो मुझे ये जगह क्या कह सकते हैं, सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस इसको कहिए, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और उसका कई रीज़न है। जैसे पहला, एक तो ये पशु मेला है तो पशु कम, आपको सिर्फ ये सब छोटे मोटे आइटम्स, चाइनीज आइटम्स या फिर या लोकल भी कह सकते हैं, लोकल आइटम्स यही सब खाने का, लोकल आइटम और नाचने उचने का जो ये थिएटर करके है कुछ, वैसा देखने को मिलेगा। और जो जिसकी प्रसिद्धि के लिए जाना जाता था कि यहाँ पशु का ज़्यादा रहता है, वो चीज़ कम और बाकी चीज़ ज़्यादा हावी हो गए। दूसरा, यहाँ फैमिली के साथ घूमना तो बिल्कुल ही बेकार है। आपको हर तरफ पुलिस है, लेकिन फिर भी हर तरफ आपको लफंगे लड़के आपको मिल जाएंगे फूटिंग करते हुए और सीटियाँ बजाते हुए, कोई कमेंट करते हुए, तो वो चीज़ है। दूसरा, भीड़ इतने ज़्यादा कि आप चलेंगे नहीं, आप चलाए जाएंगे, आपको भीड़ धकेलते चलेगी और सही से आप कोई चीज़ नहीं देख पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। तीसरी चीज़ है कि आपको खाना बिल्कुल भी हाइजेनिक नहीं मिलने वाला, अनहाइजेनिक फूड पूरी तरह से, एक ही तेल में कितनी बार बन रहा है वो सब चीज़, और गंदगी, मक्खी हर जगह, पूरी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ तक कि जो सेंट आता है वो काफ़ी सड़ा हुआ सेंट आ रहा है, मतलब आप टहल भी रहे हो खाना वाने में तो, लेकिन वातावरण में इतना ख़राब महक आ रहा है, वो गंदगी बहुत ज़्यादा, साफ़ सफाई की कमी है। इतना बड़ा मेला ऑर्गेनाइज किया है लेकिन बिल्कुल भी किसी भी तरह से, कोई भी एंगल से उसको हम नहीं कर सकते कि आप बाहर से आके यहाँ पर घूमें, बिल्कुल भी नहीं आप घूमें। और एक वाकया हुआ कि जैसे पार्किंग यहाँ पर तो था, तो हम लोगों ने पार्क किया, गाड़ी वहाँ पर कोई था ही नहीं। और जब हम लोग वापस मेले से आने लगे तो पार्किंग वाले ने एक रसीद पकड़ा दी कि ये है आपकी पार्किंग, तो उसमें लिखा हुआ था कि 20 रुपये 40 रुपये के हिसाब से, आवर्स के हिसाब से 20 रुपये 40 रुपये, 2 घंटा का 20 रुपये, गाड़ी लगाने का 4 घंटा कैसे कुछ था 40 रुपये 50 रुपये। उस बंदे ने टिकट काट के सीधे 100 रुपये बोला कि 100 रुपये आपको देना। तो मैंने पूछा, इसमें तो 100 कहीं मेंशन है ही नहीं। तो उसका कहना था कि ये हम लोग 100 रुपये लेते हैं और मतलब उसमें जो लिखा हुआ वो तो जाता ही सरकार के खाते में, बाकी खाता वो कहीं किसी को देते हैं, अब किसको देते हैं बाकी बचा हुआ पैसा। यानी उसे काफ़ी ज़्यादा बहस हो गई थी हमारी, तो वो भी एक खराब, मतलब मैनेजमेंट बिल्कुल भी ख़राब। आप इससे बढ़िया है कहीं और घूमने चले जाएँ, वैशाली आ जाएँ, मिंटो, लेकिन उस जगह पर सोनपुर मेला नॉट रिकमेंडेड, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और अगर ये वीडियो मेरा पर्यटन विभाग के अभय सर देख रहे हो तो इस सब चीज़ पर ध्यान दें। आप एक एशिया का सबसे बड़ा मेला ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पशु मेला, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मिसमैनेजमेंट। आपको पैदल काफ़ी चलना पड़ेगा, ऑटो की बहुत कमी है, बीच में जाने नहीं दिया जाता है, तो जो चलने में असमर्थ हैं उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इस जगह का मेरा काफ़ी निगेटिव रिव्यू रहा सोनपुर मेला का। आप अगर आते हैं तो भाई अकेले आइए, फैमिली के साथ मत आइए, और खाने पीने से ज़्यादा बचिए, हाइजेनिक कुछ भी नहीं मिलने वाला। थैंक्स। देखिए बाकी आप वीडियो में, अगर आपको लगता हो आने लायक तो आप आइएगा और घूमिएगा, ठीक है। हेलो एवरीवन, स्वागत है किसी नए चैनल में। हम लोग पहुंच चुके हैं सोनपुर और ये है ऑफिशियल भीड़ यहाँ का, काफ़ी ज़्यादा 26 तक चलने वाली है और हम लोग 23 को पहुँचे हैं, तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। रेलवे पुल के बाद होती है स्टार्ट यहाँ पे अट्रैक्शन, बच्चों के खेलने के लिए, और उस तरफ है बड़ा वाला झूला। यहाँ पर अलग अलग स्टॉल लगा हुआ, स्टॉल 51 किलो है, आपको व्यापार में लाभ होगा। क्लॉथ्स का अलग अलग चीजें का यहाँ पर है।
पर जाने वाले हैं, वापस आएंगे कि पता नहीं, अभी बता दें। फाइनली ये हिलने वाला डुलने वाला जगह, हम लोग चले ऊपर और दोनों साइड खाली है। बाइक को बीच में रख लीजिए, फोटो लीजिए ना, चल रहा है वीडियो चल रहा है। और हम लोग अभी एकदम ऊपर में आ गए हैं, लोग भी पर हाय बाय। भाई अभी खतरनाक है, जाने में तो ठीक लगता है लेकिन आने में थोड़ा सा तेज कराते कुछ नहीं बोलेंगे। खतरनाक एक्सपीरियंस, पहली बार आए भाई, चक्कर आ गया। मैं दोबारा नहीं आना चाहूँगा इस जगह पे, दोबारा नहीं आना चाहेंगे, एक बार काफ़ी था मेरे लिए। यहाँ पर है खरगोश, बड़ा वाला चूहा। खाने का व्यवस्था, अब इस तरफ बच्चों को खेलने का और छोटे छोटे आइटम्स। बम्बई बाजार, और ये मास्क तो हर जगह बिक रहा है। जी हाँ बहनों भाइयों, धमाकेदार सेल लेकर आ गया, आइए मागे बहेंगे, इधर आइए, इधर आइए और ले जाइए सीडी। अरे वाह कितना अच्छा कुड़ी है। और इधर है अचार, ऐसे ही कुछ प्रदर्शनी लगा हुआ है। और यह है पार्किंग यहाँ का, यहाँ पर हमारी गाड़ी पार्क है। हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे, एक्चुअली काफ़ी कम समय था हमारे पास, लगभग दो घंटे के आसपास, दो ढाई घंटे के आसपास, उसमें ज़्यादा
पशु तो हम लोग नहीं देख पाए हैं, काफ़ी बड़े क्षेत्र में है पैदल चलना और भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से तो कम जगह ही देख के और जो वीडियो रिकॉर्ड हो पाया वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस जगह को आप करते हैं टाटा बाय बाय और यहाँ से चलते हैं अपने शहर की ओर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पर है इनलाइटमेंट जो हासिल हुआ था उसका मूर्ति बनाया हुआ, चार पांच मुद्राएं, जन्म बर्थ इनलाइटमेंट और प्रीचिंग का रहता है। और ये चीज़ मुझे काफ़ी बुरा लगा। सामने देखिए अभिषेक तालाब है, जो अभिषेक उस समय जो भी राजा बनते थे उन सब का जो क्या बोलते हैं राजाभिषेक किया जाता था, उसके लिए जो पानी लिया जाता था वो सामने वाले तालाब के पास। थोड़ा सा नज़दीक जाएंगे हम लोग नीचे तो वो भी दिखाएंगे आपको। ये स्तूपा काफ़ी बेहतरीन बना हुआ और मुझे लगता है कि कोई भी अगर बाहर से आता होगा तो ये सब देख के काफ़ी निराश होता होगा इस तरह के हरकतें। तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं और आप आगे से कभी यहाँ आते हैं या फिर अगर पर्यटन विभाग ये चीज़ देखता है तो इस चीज़ पर पाबंदी लगाएं, कोई ऐसा अगर करता है हरकत तो उसे क्या कर सकते हैं, दंडनीय कुछ पेनल्टी लगाया जाए तो शायद रुक जाए। यहाँ पर कोई देख रेख करने वाला नहीं है, परिसर तो काफ़ी साफ़ सुथरा, लेकिन ये चीज़ सिर्फ यहाँ पर बुरी है। और यहाँ पर है धर्म प्रचार करता हुआ मूर्ति।